अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका प्यारा भाई मोहम्मद उमर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो करते हैं यहाँ से स्टार्ट। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ग्लोरी 580 प्रो के फुटबोर्ड, जिसको साइड पैनल भी बोलते हैं, उसके बारे में बताऊँगा और दिखाऊँगा। क्वालिटी के बारे में भी आपको बताऊँगा और इसके जो फ़ायदे हैं वो भी आपको बताऊँगा मैं इस वीडियो में। जी ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज फुटबोर्ड के बारे में ग्लोरी वर्जन 1 और वर्जन 2 के बारे में बताएंगे। ये जो फुटबोर्ड मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये ग्लोरी वर्जन 1 है और ये प्लास्टिक और अलमुनियम का बना हुआ है। ये देखें, ये अलमुनियम है पीछे सारा लगा हुआ और ये ऊपर ये प्लास्टिक लगा हुआ है। ये देखें, ये प्लास्टिक है और ये जो गाड़ी में लगेगा अपनी जेन्युइन फिटिंग में आएगा। ये मैं एक और आपको बात बताता चलूँ कि ये जो ग्लोरी वर्जन 1 का फुटबोर्ड है, ये आप गाड़ी पे लगाएंगे तो इसकी जो गेट के नीचे एक ब्लैक कलर की पट्टी होती है प्लास्टिक में, वो आपको नहीं उतारनी पड़ेगी, वो जेन्युइन की जेन्युइन ही लगी रहेगी और ये वैसे जाके फिट हो जाएगा नीचे ब्रैकेट पे। और इसके गाड़ी के सुराख बने होते हैं, आपको कोई अल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ेगी, ये फिट जाके बैठेंगे गाड़ी पर। और इसी में मैं आपको वर्जन 2 दिखाता हूँ, जिसमें ब्लैक कलर में होता है प्लास्टिक और अलमुनियम में भी है, वो भी मैं आपको आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, ये देखें, जो मैं वर्जन 1 आपको पहले दिखा चुका हूँ और ये वर्जन 2 आया है फुटबोर्ड ग्लोरी 580 प्रो का। और ये देखें, ये भी प्लास्टिक और अलमुनियम में बना हुआ है। और ये देखें, बैक भी इसका देख सकते हैं, ये जेन्युइन नट बोल्ट जो आपकी गाड़ी पे लगेंगे वो बना हुआ है, उसके पे बना हुआ है जी। ये देखें, ये देख लें आप, बिल्कुल खूबसूरत लगेगा आपकी गाड़ी पे। ये देखें, ये स्टिकर भी लगा हुआ है, ये आप उतरवा के कोई और चीज़ भी लिखवा सकते हैं, किसी चीज़ ग्लोरी में ग्लोरी का स्टिकर आप लगवा। जैसे मैंने आपको बताया वर्जन 2 आपने देख लिया और ये हम प्लास्टिक और अलमुनियम में बना हुआ है ये भी। और ये मैंने आपको पहले वर्जन 1 के बारे में बताया, जो आपकी ब्लैक कलर की पट्टी होती है गेट के नीचे, दरवाजे के नीचे लगी होती है, वह वर्जन 1 लगाएं तो नहीं उतरेगी, वर्जन 2 लगाएं तो ये उतरेगी। और ये देख लें, ये पट्टी, ये उसी की जो उतरेगी उसी की जगह पर आके बैठेगी ये पट्टी। और ये जेन्युइन तरीके से अल्ट्रेशन कोई नहीं होगी आपकी गाड़ी पे, फुटबोर्ड आप लगाना चाहें या किसी और गाड़ी का फिट करें तो शायद अल्ट्रेशन करनी पड़े, नहीं तो जो गाड़ी का अपना होता है उसमें अल्ट्रेशन नहीं होती और वो जेन्युइन अपने नट बोल्ट पे ही आता है। आपने ग्लोरी वर्जन 1 और वर्जन 2 आपने दोनों फुटबोर्ड देख लिए हैं और इसके फ़ायदे ये हैं, आपकी गाड़ी जिस तरह रोड पर जा रही होती है या साइड मोटरसाइकिल लग जाता है, अल्लाह ना करे मोटरसाइकिल लग जाए या फुटपाथ से गाड़ी टकराया जाए, तो आपकी गाड़ी गाड़ी को ये सेफ़ रखते हैं, गेट को भी और नीचे जो जेन्युइन फुटबोर्ड होता है इसका जो लोहे का होता है उसको भी सेफ़ रखता है, स्क्रैच नहीं पड़ने देता। और जो नुकसान होगा इसी फुटबोर्ड का होगा, ये आपका उतर के आपका नया भी लग सकता है, क्योंकि आपकी गाड़ी तो ज़्यादा वो है से ज़्यादा महंगी है। और इसका और एक फ़ायदा ये भी है, आपके पास कोई बुज़ुर्ग बंदा हो वो बैठे, आप वो पांव रख के आपकी गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं, और बच्चों के लिए बच्चों, क्योंकि और ये एक और बात है, ये तो इतनी ऊंची गाड़ी नहीं है, 4x4 जिस तरह गाड़ी होती है फॉर्चूनर वगैरह, ये जो डाले हो गए रिवो वीगो, इसमें ये लगते हैं फुटबोर्ड जो आप चढ़ के ऊपर बैठ सकते हैं, कोई जितना वज़न भी वेट आप डाल लें वो डाल के आप चढ़ सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं। इसके ऊपर ज़्यादा आप वेट डालेंगे तो ये इस तरफ इसके इतना वो नहीं होता, और जो इसका फ़ायदा है मैंने आपको बताया है। और बच्चे भी ऊपर चढ़े, ये क्योंकि एक इतनी ऊंची नहीं होती गाड़ी और ये आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन बच्चों लोग लगाते हैं खूबसूरती के लिए भी, और जो मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं इस चीज़ के लिए भी लोग लगाते हैं जी। यहाँ पर मैं वीडियो का एंड करता हूँ और आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। मैं आपका भाई मोहम्मद उमर और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम।